हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करता हूँ एच सी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज डिस्कस करने वाला टॉपिक है सैंड ब्लास्टिंग और शॉट ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग क्या है? व्हाट आर सैंड ब्लास्टिंग और शॉट ब्लास्टिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द लेयर ऑफ ओल्ड पेंट, रस्ट, डस्ट, डर्ट, स्कल्स फ्रॉम मेटल और अदर सरफेस By using sand or grit is called sand blasting or shot blasting. In the process, sand or grit is thrown at very high velocity by high compressed air from the sand pot. This sand has absorbed properties which clean. Sand blasting क्या है? जब भी कुछ भी surface का ऊपर हम लोग पेंट करने से पहले जो प्रोसेस, मतलब एक सरफेस में डस्ट, डर्ट और स्कल्स ये सब को हटाने के लिए हम लोग सैंड और ग्रिट को यूज करके कंप्रेस्ड एयर के साथ हम लोग उसको पर प्रेशर डाल के उसको हटाएंगे, फिर बाद में हम लोग पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने से पहले हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है एट कंस्ट्रक्शन साइट, दैट इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग और शॉट ब्लास्टिंग। नाउ वी डिस्कस सैंड ब्लास्टिंग इक्विपमेंट और कंटेंट्स। व्हाट आर द सैंड ब्लास्टिंग इक्विपमेंट्स? द इक्विपमेंट्स आर वाटर सेपरेटर, वॉल्व, इनकमिंग एयर फ्रॉम कंप्रेसर, प्रेशर गेज, प्रेशर रेगुलेटर। This one is pressure gauge and this one is regulator, pressure regulator. This one is blast, जो निकल रहे वो blast, ये हो गया nozzle. These are absorbing under pressure, mixing valve. This line was air and abrasive pressure, under pressure. This one is incoming air, compressor. इसका अंदर में एयर जाएगा, फिर बाद में इधर से ब्लास्टिंग होगा। जब भी हम लोगों को कुछ भी सरफेस का ऊपर कुछ डस्ट, डर्ट और स्कल्स निकलना होता है तो हम लोग सैंड ब्लास्टिंग में किया जाता है। इस नोजल को भी केयरफुली हम लोग यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत खतरा होता है। जो अंडर प्रेशर में जो एयर निकलता है विथ सैंड ग्रिट के साथ, सो दिस इज द वेरी डेंजरियस एट द टाइम ब्लास्टिंग। नाउ वी डिस्कस व्हाट आर द हैजर्ड्स इन सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्ट में क्या क्या खतरा है आप डिस्कस करते हैं। एब्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड क्रिएट्स हेल्थ इंजुरी हो सकता है। नॉइज क्रिएट्स बाय इक्विपमेंट सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट टू ऑपरेटर एंड आल्सो अदर पर्सन इन द एरिया, क्रिएटिंग हेडेक, इरिटेशन एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लॉस ऑफ ईयरिंग, मतलब लॉस ऑफ ईयरिंग होने का चांसेस है, और हेडेक, इरिटेशन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इफ द होश और गन एक्सीडेंटली dropped, then it causes injury and problem to patient in the area. These are the hazards in sand blasting. Now we discuss what are the precautions for sand blasting or shot blasting. Recommended safety PPE must be used. The PPEs are leather wood glass and leather apron and leather gloves, leather shoes, डस्ट रेस्पिरेटर, सेफ्टी हेलमेट एंड एयरलाइन एपरेटस। रिकमेंडेड सेफ्टी PPE लाइक एयर मॉप और एयर फ्लग आर बी यूज्ड। द नोजल ऑफ द इक्विपमेंट मस्ट बी फिटेड विथ स्टट ऑफ कंट्रोल ऑफ डेड मैन टाइप। द इक्विपमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल एर्थड। The equipment must be electrical hearthed.
द इक्विपमेंट अर्थिंग होना चाहिए, नोजल ऑफ द इक्विपमेंट मस्ट बी फिटेड, नोजल को फिटिंग फिट करना चाहिए, और द हियरिंग लॉस के लिए हम लोग को ईयर मफ और ईयर प्लग यूज करना चाहिए। दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस एट सैंड ब्लास्टिंग और शॉर्ट ब्लास्टिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग सेफ्टी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। प्लीज़ डू शेयर एंड सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इट्स वेलकम।